एक बार जूनियर डायनासोर अपने गुफा से निकलता है तो तब वो देखता है कि एक आसमानी डायनासोर एक बार फिर उसके खाने को लेकर भागने वाला है। और तभी जूनियर इस बार इस डायनासोर को पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि यहाँ से डायनासोर्स को कहाँ ले जाया जाता है और आखिर इस गड्ढे से बाहर निकलने का कौन सा रास्ता है। पहले तो ये आसमानी डायनासोर साफ साफ इनकार कर देता है, लेकिन जब जूनियर इसे बहुत सारे खाने की लालच देता है तो तब वो बताता है कि गड्ढे के बाहर कुछ ही दूरी पर एक खोलता हुआ ज्वालामुखी है जो कभी भी फट सकता है और इसके अंदर एक विशाल जीव का निजात हो गया है जिसे लावा मॉन्स्टर कहते हैं। इसके बाद उड़ने वाला डायनासोर बताता है कि ये रेप्टाइल्स अपनी जान के बदले इसी को डायनासोर बलि के रूप में देते हैं और इस लावा मॉन्स्टर का 3 बच्चा भी होता है जो भेजे गए डायनासोर्स के साथ खेलते हैं और मन भर जाने के बाद उसे चीर फाड़ देते हैं। और तभी अब जूनियर अपने साथियों के साथ एक प्लान बनाता है कि ऊपर जाने के बाद सबसे पहले हमें लावा से भरे गड्ढों को पार करना होगा और तब हमें ज्वालामुखी के पास वाले नदी में छलांग मारकर घर जाना होगा और ये सब प्लान ये लोग आज रात ही करने वाले थे। आगे की कहानी के लिए शॉर्ट को लाइक करके कमेंट में पार्ट 9